बिहार के पटना में एक बोरवेल में गिरी 6 साल की बच्ची को निकाल तो लिया गया है, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। जब बच्ची को बोरवेल से निकाला गया तो वह बेहोश थी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि आज सुबह पटना की साकेत विहार कॉलोनी में ये बच्ची खेलते हुए 4 फीट गहरे बोरवेल में गिरी और पुलिस और स्थानीय लोगों ने JCB के जरिए इस बच्ची को निकालने की काफ़ी कोशिश की थी। काफ़ी लंबे समय तक मशक्कत करने के बाद लोगों को इसमें सफलता मिली और बच्ची को बाहर निकाला गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसमें क्या होता है, हॉरिजेंटल आपने देखा होगा कि हॉरिजेंटल दूसरा उसके पैरेलल में जहाँ पर ये बोरवेल था उसके पैरेलल में एक दूसरी गड्ढा खोदी गई। उस गड्ढा को खोद के उसके बाद हम हॉरिजेंटली उस बच्चे तक पहुँचते हैं। उसी तरह से फिर हॉरिजेंटली हमने खुदाई की, हॉरिजेंटली खुदाई करते करते उस बच्चे तक पहुँच गए। बच्ची अनकॉन्शियस थी, लेकिन जो पर्सनली मैं फील कर रहा हूँ कि सीज अलाइव, मतलब जिंदा थी वो। देखिए सर, हम काम पर थे, काम पर भी मालूम हुआ था है। खेल दोनों माँ खा रहा था, तीनों माँ बेटा। अब खाते खाते में तीनों लड़का खेलने चल गया बालू पर। अब बालू पर जब वो धंसने लगा ना, तो मेरा बड़का लड़का बोला क्या, तो माँ बोलिए जैसे बउआ धंस गया लिया। जब मेरा पत्नी निकल के गया था तो धंस गया। जब आदमी और निकालने दौड़ा तो निकला। जो बच्ची बोरवेल में गिरी थी उस वो तो हमारे यहाँ ब्रॉडेड ही आई थी, लेकिन चूंकि सारा हम लोग को क्लिनिकल पैराफर्नेलिया पूरा करना पड़ता है कि उसका ECG रियली में कहीं कोई भी चांस है कि नहीं बचाने का, वो सारा चीज़ हम लोगों ने करके देखा फाइनली कि सी इज ब्रॉड डेड। और हम लोग के ब्रॉड डेड रजिस्टर में भी वो आया है, हम लोग को ट्रीटमेंट का कोई मौका नहीं मिला। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए Twitter पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।